फरुखाबाद का रुख करें, जहां पर देर रात तक चली मुठभेड़ में आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल ही गई। 11 घंटे तक चले ऑपरेशन मासूम में पुलिस ने आरोपी सुभाष बाथम को मार गिराया, जबकि उसकी पत्नी के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। आरोपी की पत्नी को जब तक अस्पताल ले जाया गया उसे दम तोड़ दिया। और आपको ये बता दें कि जन्मदिन के नाम पर सिरफिरे ने आस पड़ोस के बच्चों को बुलाया और 23 बच्चों को इसने बंधक बना दिया। बाद में काफी देर तक वो अंदर से पुलिस टीम पर फायरिंग करता रहा, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया। ये ऑपरेशन मासूम कामयाब होने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस टीम को शाबाशी दी, 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी किया। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि एसन की हर बच्चे को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ रुपए मांग रहा था। और मुख्यमंत्री का ट्वीट भी इस पर आया है, हमारी पुलिस ने जिस तरह साहस और रणनीति से 23 बच्चों को सकुशल एक आपराधिक की गिरफ्त से मुक्त कराया वो सराहनीय है। प्रदेश की कानून व्यवस्था आपके मार्गदर्शन में जनमानस की सुरक्षा के लिए संकल्पित एवं सदैव सजग है। ये पीठ थपथपाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।